अब अपना अगला चैप्टर रहेगा फॉरेस्ट नर्सरी। इसमें हम बेसिकली दो पहले चैप्टर देख चुके हैं, सीड सप्लाई और चॉइस ऑफ स्पीसीज का। ये अपना थर्ड चैप्टर रहेगा। इसमें बेसिकली हम पहले तो एक डेफिनेशन पार्ट वाला देख लेंगे, फिर इसकी हमें नर्सरी की रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर हम इसको स्टेबलाइज जब करेंगे किसी साइट पर तो उससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो करेंगे, और उससे एक न्यूमेरिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व कर लेंगे। बाद में जब आप नर्सरी स्टेबलाइज कर लोगे तो उसका जो बेड बनते हैं, नर्सरी बेड होते हैं, तो उससे रिलेटेड इशू आते हैं, जैसे उसका साइज क्या है, टाइप क्या रहेगा, प्रिपरेशन कैसे करोगे, और फिर बाद में उस पर सीड सोविंग वगैरह करोगे, वो रिलेटेड है। और फाइनली आता है कि आप अपनी नर्सरी को प्रोटेक्शन जो कवर करोगे आउटसाइड से, उसका आता है। इसके साथ साथ हम नर्सरी जो स्टॉक प्रिपेयर करते हो नर्सरी में, जिसका पर्पज़ है आप साइट पर प्लांटेशन करते हो, जो आपने फॉरेस्ट साइट जहाँ पर आपको प्लांटेशन वर्क करना है वहाँ पर, तो नर्सरी स्टॉक प्रिपरेशन करेंगे उससे रिलेटेड है, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसे देखेंगे। फिर इसके बाद आपकी जो ट्रांसप्लांट प्लांटिंग मटेरियल है उसमें जैसे पॉली बैग है उससे रिलेटेड इशू देखेंगे, एक कंटेनर्स जो होते हैं उसका इशू देखेंगे, और लास्ट में करेंगे प्लांटिंग का ग्रेडिंग मटेरियल, जो प्लांटिंग मटेरियल होगा उसका ग्रेडिंग देख लेंगे, और लास्ट में नर्सरी डिजीज वगैरह रिलेटेड इशू हैं वो। और इसका एक पार्ट और रहेगा लास्ट में, सबसे एंडिंग में पढ़ेंगे, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इससे जनरली तो क्वेश्चन नहीं आए, बट दो तीन साल के बाद गैप के बाद आ जाते हैं। तो फर्स्ट है डेफिनेशन, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसे पढ़ लेना। सेकंड है प्लांटिंग स्टॉक, जो टर्म यूज किया जाता है, तो वो मटेरियल है जिसको एक्चुअली अपन यूज करते हैं साइट या किसी लोकेलिटी पर जब एफोरेस्टेशन वर्क किया जाता है, तो जिस टाइप का आप कंटेंट यूज करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल जो यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्लांटिंग स्टॉक। इसके बाद सेकंड पॉइंट था अपना रिक्वायरमेंट क्या है नर्सरी स्टेबलाइज करने की। तो फर्स्ट है आपको जितनी भी एफोरेस्टेशन वर्क या इस टाइप के जो भी आपको वर्क करना है उसके लिए आपको एक मटेरियल रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कहाँ से लेके आओगे? नेचुरल तो कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे कहीं ना कहीं नर्सरी में ही ग्रो करोगे। दूसरा ये होता है कि वो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी, साइज वगैरह है, वो उसको आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, और ये थोड़ा जब लार्ज लेवल पे होता है तो सस्ता भी पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनका नेचुरल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं नर्सरी स्टेबलाइज करनी ही पड़ती है। इसका एक बेनिफिट और है, वो है ट्री का रोटेशन। यूजुअली सपोज एक आपके यहाँ जैसे फार्म में पॉपुलर लगा हुआ है, तो उसका रोटेशन कितना है? 10 ईयर। अब आप उसे 10 ईयर तक क्रॉप रखोगे, इसके बाद उसे हार्वेस्ट करोगे, और फिर उसमें फिर से नर्सरी आप मीन्स सीड सोविंग करोगे, तो फिर वो अगेन 10 ईयर लेगा लास्ट तक मैच्योरिटी तक पहुँचने में। बट अगर आप क्या करते हो कि उसकी जो सीडलिंग है, सीड आप फार्म में डायरेक्ट सोविंग ना करके उसे नर्सरी में अगर ग्रो कर लेते हो, और नर्सरी में ही उसका 1 या 2 साल नर्सरी में ही रखते हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि फार्म में उसको 8 साल ही लगेंगे, मींस आपका रोटेशन पीरियड है वो 2 साल कम हो गया, क्योंकि उसने अपने 2 साल नर्सरी में ही ग्रो कर लिए जो उसके इनिशियल फेज के थे। और इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि जो इनिशियल फेज में जो उस पर पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक होगा उसे आप नर्सरी में बेटर हैंडल कर सकते हो कंपेयर टू फार्म। और नेक्स्ट है जैसे वेस्ट लैंड वगैरह है, उनको अगर आपको रिहैबिलिटेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं को ले आना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट है एक्जोटिक स्पीसीज। इसमें एक्जोटिक स्पीसीज को तो आप नेचुरल ग्रो नहीं कर पाते, तो उसे तो कम से कम नर्सरी रिक्वायरमेंट है ही। इसके बाद अगर नर्सरी के टाइप की बात की जाए तो उसे बेसिस अलग अलग है, जनरली हम 3 बेस पर ले लेते हैं। एक है आपका इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, एक तो होती है परमानेंट नर्सरी, जनरली जो फॉरेस्ट ऑफिस है, DFO ऑफिस है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसके आसपास जनरली अटैच रहती है। इसका पर्पज़ है ये हमेशा कंटिन्यू वर्क करेगी। दूसरा होती है टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी जनरली हम जो प्लांटेशन साइट है उसके पास ही स्टेबलाइज कर लेते हैं, क्योंकि प्लांटेशन वर्क है वो लगभग 6 मंथ या 1 ईयर की समथिंग चलता है। तो अब आपको प्लांटेशन के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल है वो तो 6 मंथ तक वहाँ रखना पड़ेगा। उस 6 मंथ रखने के लिए आपको उसका कुछ तो इस टाइप का एक सिस्टम स्टेबलाइज करना पड़ेगा, जिससे वो प्लांटेशन वहाँ 6 मंथ तक सर्वाइव करती रहे। तो ऑन साइट हम जो स्टेबलाइज करते हैं वो यूजुअली टेम्परेरी होती है। सेकेंड बेसिस है मॉइस्चर के बेस पर। तो एक है ड्राई नर्सरी और दूसरा है वेट नर्सरी। ड्राई मीन्स जहाँ इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है, और वेट जहाँ पर बेटर तरीके से है। तो ड्राई जो मैंने अभी बोला, जो ऑन साइट हम स्टेबलाइज करते हैं फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट में अंदर जा करके, तो वो यूजुअली ड्राई नर्सरी होती है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर इतना बेटर इफेक्टिवली अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं होता। एक एक्स्ट्रा इसका बेसिस है,
जैसे आप देखोगे नीचे सीडलिंग नर्सरी है और ट्रांसप्लांट नर्सरी है। यूजली होता क्या है कि आप जो नर्सरी होती है उसमें एक नर्सरी बेड प्रिपेयर करते हैं और उसमें सीड को सोविंग कर देते हैं। तो जो बेड वाली नर्सरी होती है मीन्स ऐसी नर्सरी जिसमें केवल ये बेड ही है, नर्सरी बेड्स ही हैं जिसमें केवल आप सीड को सोविंग करते हो, तो उसे हम यूजली टर्म लेते हैं सीडलिंग नर्सरी। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से नर्सरी से प्लांट उखाड़े, आगे आप पढ़ोगे नेगेट रूटेड प्लांटिंग, तो वहाँ पर जैसे प्लांट को सीधा अपरूट किया और सीधा का सीधा ऑन साइट जाके प्लांटेशन वर्कर लेते हैं। दूसरा जो ट्रांसप्लांट नर्सरी है, ये लोग क्या करते हैं, बेड से जो प्लांट है उसे उखाड़ते हैं, आफ्टर दैट उसे पॉली बैग में ट्रांसप्लांट कर दिए, या फिर दूसरा बैग बेड और बनाते हैं उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं और फिर उसे दूसरे बेड पर ग्रो करने देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनिशियल जो फर्स्ट बेड होता है उसमें ये जनरली सीडलिंग की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, तो जब अगर क्लोज स्पेसिंग हो जाएगी तो एक टाइम तक तो तेज़ी से ग्रो करेगी लेकिन आफ्टर दैट वो रिटार्ड हो जाएगी और सीडलिंग प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि स्पेसिंग और न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंड जो नर्सरी होती है उसमें हम यूजुअली उनके बीच की स्पेसिंग को फिक्स कर लेते हैं ईजिली, इसलिए वो सेकेंड है ट्रांसप्लांट नर्सरी। मीन्स ऐसी नर्सरी जिसमें सीडलिंग और ट्रांसप्लांट दोनों फैसिलिटी है वो है ट्रांसप्लांट नर्सरी, और ऐसी नर्सरी जिसमें केवल फर्स्ट वाली फैसिलिटी है उसे बोलते हैं सीडलिंग नर्सरी। तो अपने इसमें तीन कंटेंट कवर हो गए हैं। अब देख लेते हैं इसका जो मेन इशू है कि आप जब परमानेंट नर्सरी स्टेबलाइज करते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो पहला तो है अपना साइट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर आप नर्सरी स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो जैसे मैंने अभी बोला कि DFO ऑफिस से कनेक्टेड रहती है, वो इसलिए क्योंकि ऑफिस से अटैचमेंट रहता है और मैनेजमेंट इजीली जाता है। लेकिन अगर आप नेचुरली जो टेक्निकली बोलें तो अगर नेचुरल फॉरेस्ट में आप स्टेबलाइज कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक फैक्टर देखना पड़ेगा कि वो नर्सरी जो है उससे आपकी कनेक्टिविटी हो, रोड से कनेक्टिविटी हो, टोपोग्राफी जेंटल हो, ऐसा नहीं कि स्लोप ले लोगे तो आपको जब इरीगेशन के इशू आएंगे तो नर्सरी बेड पर पानी रुकेगा नहीं और उल्टा इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सॉइल नॉर्मल हो मीन्स सैंडी लॉम हो या लॉम हो, अदर तो सॉइल सपोर्ट नहीं कर पाए। दूसरा सॉइल का पीएच का भी एक इशू रहता है, तो नॉर्मली हम सिल्टली एसिडिक लेते हैं मीन्स 7 से नीचे रहेगा, यूजुअली 5 की समथिंग, 5.5 की समथिंग। वाटर अवेलेबल हो, लेबर जो है आपको क्योंकि नर्सरी में लेबर वर्क करेगी और वो आपको स्किल और नॉन स्किल दोनों लेबर इजली अवेलेबल हो, इस टाइप की देखेंगे। क्योंकि अगर आप डीप फॉरेस्ट में चले जाओगे तो वहाँ जो ट्राइबल्स हैं उनसे आपको अनस्किल लेबर तो मिल जाएगी लेकिन स्किलफुल जहाँ पर नर्सरी का वर्क आएगा वो वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, तो वो भी इशू रहेगा इसका। इसका आगे देख लेते हैं नर्सरी लेआउट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आप ये देख लेंगे कि एक नर्सरी जैसे हम जो स्टेबलाइज करेंगे उसको चारों तरफ से एक सराउंडेड बाउंड्री कर लेंगे जिससे बाहर के एनिमल उसमें पेनिट्रेट ना कर पाए, इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए। नर्सरी को जनरली हम चार पार्ट में डिवाइडेड कर लेते हैं। सेंटर में हम ऑफिशियल बिल्डिंग और जो स्टोर हाउस है उन्हें बना लेते हैं जिससे हर पॉइंट से ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे। इसकी एक साइड में हम इरिगेशन सिस्टम लगा लेंगे, वहाँ पर थोड़ा कैंपिंग वगैरह के लिए लेबर साइड वगैरह बना लेंगे, तो लेबर साइड में क्या लेबर है वो वहीं पर रह लेगी, तो जो उनका सुबह शाम अप डाउन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा है उन्हें रिलैक्स करने के लिए भी डे टाइम में जो नून के टाइम पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी मिल जाएगी। और एक और इशू है कि जब आप नर्सरी बेड से नर्सरी निकालते हैं और जब उसे पॉलीबैग में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक एरिया रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी इसी साइड में कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको जो मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए उसे देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर में सभी पॉइंट लगे, इसे बस थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके बाद एक इशू आता है साइज ऑफ नर्सरी, इस पर जनरली न्यूमेरिकल होते हैं। किसी भी नर्सरी का साइज़ सबसे पहले तो ये डिपेंड होता है कि आपका जो साइट है प्लांटेशन साइट है वो एरिया कितना बड़ा है। इसके बाद उस एरिया से डिपेंड करेगा कि आपको कितनी ज़्यादा सीडलिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर आप ये देखोगे कि एक नर्सरी बेड में वो सीडलिंग कितनी होती है, और फिर आपको सीडलिंग का प्रोडक्शन जो है मीन्स एक सीड से उसकी ट्रांसप्लांट एज तक मीन्स जब तक आप उसे फार्म में नहीं ले जाते हैं उसके बीच का जो पीरियड है उसे आप नर्सरी में कितने इस टाइम तक स्टे करते हैं। जैसे जनरली पॉपुलर को हम 2 साल तक नर्सरी में रखते हैं, तो
तो ये जो पीरियड है वो भी डिपेंड करता है नर्सरी के साइज के लिए। चलो आगे देखते हैं। इसका इशू ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आपका ये फार्म है जो 1 हेक्टेयर का एरिया है। अब 1 हेक्टेयर में आपने प्लांटेशन ये कर रहे हो कि हम स्क्वायर में प्लांटेशन करेंगे और उनके स्पेसिंग जो रखेंगे वो रखेंगे 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो अगर आप 1 हेक्टेयर जो अपना होता है 100 मीटर बाय 100 मीटर, अगर आप 1 मीटर की स्पेसिंग रखते हो तो आपके प्लांट बनेंगे 100 बाय 100, मीन्स 10,000 प्लांट बनेंगे। तो इस हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट तो आपके 1 हेक्टेयर के लिए 10,000 प्लांटेशन की जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब आपको पता है कि अगर आपने 1,000 की ट्रांसप्लांटिंग कर दी तो क्या ये सभी सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। एवरेज जो एवरेज माना जाता है वो लगभग 20% तो मॉर्टिलिटी होनी ही है, इवन मोर होती है इससे, बट 20 तो एवरेज लेके चलते हैं, जिससे काउंटिंग थोड़ा इजी जाता है। तो ये अपना 20% मॉर्टिलिटी से हो गया 12,000। ओके, अब आपको ये सब कन्फर्म हो गया कि 1 हेक्टेयर के लिए आपको फर्स्ट हिसाब एक साइड से देखा जाए तो 12,000 नर्सरी की रिक्वायरमेंट है, प्लांटिंग जो पॉली बैग है उसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं अपन, नर्सरी। एक नर्सरी बेड का जो लेंथ और विड्थ होती है वो जनरली होती है 10 मीटर बाय 1 मीटर, उनके बीच में एवरेज स्पेसिंग रहती है 45 सेंटीमीटर दो नर्सरी बेड के बीच में, जिससे उनके बीच में इजी मूवमेंट किया जा सके, क्योंकि जब उसमें वीडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बैठ करके उसे हाथ से पिकअप करना पड़ता है, तो कम से कम 45 सेंटीमीटर का इतना स्पेस बेसिकली रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। और जो 1 मीटर की जो विड्थ रखते हैं नर्सरी बेड की, वो इसलिए क्योंकि दोनों साइड से उस पर हाथ इजीली पहुँच जाए। ओके, अपनी डिमांड कितनी थी? 12,000 पॉलीबैग्स की। अब एक नर्सरी बेड में जो जनरली अगर हम मान लें कि 1,000 सीडलिंग ग्रो करती है, तो इसका मतलब हुआ हमें 12 नर्सरी बेड की रिक्वायरमेंट है। अब 12 नर्सरी बेड के साथ साथ आपको क्या होगा, कुछ पाथवे का स्पेस चाहिए होगा, प्लस आप इरिगेशन सिस्टम लगाओगे तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा, प्लस आपका नर्सरी के बीच में आपका जो रोड वगैरह है, स्टोर रूम है, स्पेसिंग जो पॉलीबैग फिलिंग के लिए है, और इधर उधर का जो दुनिया भर का स्पेस मिलेगा वो, प्लस आपको जैसे सपोज पॉपुलर है तो उसे 2 साल रखना है, तो नर्सरी का काम तो रहा 2-3 मंथ का, इसके बाद उसे लगभग 1.5 साल तो आपको रखना ही है ना। तो ये सब अगर स्पेस मिला लें तो काफ़ी बड़ा स्पेस हो जाता है। तो अब एक्चुअली इतना टेक्निकल तो हम सॉल्व नहीं कर सकते उसे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ये आपका रहा फार्मूला, जिसमें है 18 × 1.2 × xy/z। आपको यहाँ पर एक्स रखना है कि आपको कितने हेक्टर में प्लांटेशन करनी है, वाई रहा कि एक आपका जो हेक्टर है उसमें नंबर ऑफ प्लांट कितने आएंगे, मींस वो कैसे निकलेगा कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो आपको बीच में उनके बीच में स्पेसिंग देगा, तो स्पेसिंग का आप 100 बाय 100 में से वो डिवाइड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 हेक्टर में कितने प्लांट आएंगे। दूसरा एरिया हेक्टर में वो बता देगा। अब नीचे आएगा नंबर ऑफ प्लांट पर बेड, तो यहाँ पर 2 इशू है। अगर वो सीडलिंग बेड के बारे में बात करता है तो वो जनरली बोल देता है कि पर बेड 1,000 सीडलिंग है या 2,000 सीडलिंग है, वो सीधा क्वेश्चन में लिख के देगा। कभी कभी वो बोलता है कि वो जब बात करने लगता है प्लांटेशन बेड की, मीन्स जैसे अपने सीडलिंग निकाल के पॉली बैग में कर रखा था, तो वो भी इसी टाइप का बेड टाइप की अरेंजमेंट कर देते हैं, तो वो भी एक टाइप का बेड हो गया, ट्रांसप्लांटिंग बैग बेड। तो दूसरे केस में वो यहाँ पर ये नहीं बोलता है कि नर्सरी बेड है, वो यहाँ पर बोलता है कि पॉली बैग का साइज दे देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया इस फॉर्मूले में कि आपको जस्ट यहाँ पर ये फिलअप करना है और आपका यहाँ पर एरिया निकल आएगा कि नर्सरी के लिए कितना एरिया चाहिए। दूसरा केस जो बता रहा था पॉली बैग वाला, उसमें ये रहा कि वो आपको यहाँ पर विड्थ देगा या लेंथ देगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉली बैग आ जाएंगे एक बेड में कितने होते हैं। जनरली वो देता है 10 सेंटीमीटर विड्थ है पॉली बैग की और विड्थ 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है, तो यूजुअली एक जो पॉली उसका जो पॉली बैग वाला जो बेड बनता है उसमें होते हैं लगभग 2,500 पॉली बैग्स, मतलब 2,500 प्लांटेशन। अगर दूसरे केस में अगर 15 और 25 दे दिए तो उसका लगभग हाफ हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, इससे आपका काम हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसे देखोगे समझ में आ जाएगा इजीली। अब थर्ड पॉइंट अपना हो गया
ये फोर्थ बचा था नर्सरी साइट प्रिपरेशन। साइट सिलेक्शन हो गया, लेआउट हो गया, साइज का इशू हो गया। साइट प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग में क्या करोगे, अंडुलेटिंग लैंड हो सकती है, उसमें स्टोन वगैरह पड़े होंगे तो उन्हें क्लीन करोगे आप, जो लेवल है उसे करोगे, टेरेस मेंटेन करोगे, और जो अपना इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह है उसे स्टेबलाइज कर। ओके, अब आगे चलते हैं नर्सरी बेड पर। जो नर्सरी में आपने छोटे छोटे बेड बनाए वो अपने नर्सरी बेड है, उनका लेंथ और विड्थ का साइज देखो। यूजुअली साइज होता है उनका 1 मीटर बाय 10 मीटर, लेकिन आपको ऐसा भी मिल सकता है कि वो 1.2 मीटर बाय 12.5 मीटर, तो दोनों ही सही है, या फिर 4 फीट बाय 40 फीट। तो ये जो 1 बाय 10 का है ये स्टैंडर्ड है, बट 1.2 और 12.5 वाला भी चलता है, इनके बीच की स्पेसिंग फिक्स है लगभग 45 सेंटीमीटर। इनके अगर बेड की टाइप बोलना है तो ये 3 टाइप के होते हैं, राइज्ड, लेवल और सनकैन, इसे ऐसे समझ लो। ये है राइज्ड बेड, ये कहाँ पर होगा, ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर टेबल हाई है, तो सीडलिंग को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, अदरवाइज वो मॉइस्चर से अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टेबल है वो थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ज़मीन से, मीन्स सॉइल है, जो सॉइल का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर बेड बनाया जाता है और उस पर प्लांटेशन ग्रो करते हैं। जो लेवल है उसमें कोई हमें वाटर टेबल का इशू नहीं है, तो जनरली वहीं की जो सॉइल है उसे खुद के लूज कर लेते हैं और उसी में सीधा प्लांटेशन लगा देते हैं। और थर्ड जो सनकेन है, इसका इशू क्या है, एरिड टाइप के जो रीजन है वहाँ पर क्या है कि जब आप नर्सरी को इरिगेशन दोगे तो वो पानी इधर उधर भाग जाएगा। जैसे सपोज इसमें आपने डाल दिया पानी, तो पानी इधर उधर वेस्ट होगा, वो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी डाला वो उसी पिट में बचा रहेगा। तो ये जनरली हम जो एरिड रीजन है, ये ऐसे रीजन जहाँ वाटर की इशू है, क्राइसिस है, वहाँ पर हम यूजली सनकेन बेड बनाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि एक होते हैं सीडलिंग बेड, दूसरा होता है ट्रांसप्लांटिंग बेड्स। तो इसे आप यहाँ पर देख लो, सीडलिंग बेड ये है जहाँ पर डायरेक्ट सीडलिंग है, ट्रांसप्लांटिंग बेड्स वो हैं जहाँ पर जैसे पॉलीबैग में ट्रांसप्लांट किया और उसे रख दिया। अब ये ट्रांसप्लांट बेड्स हैं, उसके साथ साथ सनकेन बेड भी है, क्योंकि दोनों अलग अलग बेसिस हैं, उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। यहाँ 2018 का क्वेश्चन है, इंग्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरीज एंड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड्स यूज इन नर्सरी। तो फर्स्ट आप नर्सरी की डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन में, इसके बाद इसके टाइप्स लिखोगे। टाइप्स किस बेस पे, अब बेटर है उन्हें 2-3 बेस पे लिख दो। जैसे फर्स्ट आप उनकी इरिगेशन के बेस पे कर दो, वेट एंड ट्राई है, ये सीडलिंग बेड और ट्रांसप्लांट बेड कर दो, या सन लेबल राइज्ड और सनकेन वाले पे कर दो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने बेड की बात कर ली, अब बेड को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उसमें हमें सीडलिंग लगानी है। तो प्रिपरेशन के लिए क्या करोगे, सॉइल में पॉसिबल है कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो, माइक्रोराइजा तो पॉसिबल है नहीं, तो क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो सीडलिंग है वो सक्सेसफुल हो, फेल्योर ना हो, तो आप उसे इसी फेज में माइक्रोराइजा को इनोकुलेट कर देते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह मिला देंगे, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड कर देंगे, जिससे वो नर्सरी आपको प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि वहाँ यूजुअली टर्माइट का इफेक्ट बहुत रहता है। ओके, लास्ट है सीड सोविंग। अब आपने नर्सरी बेड तो प्रिपेयर कर लिया, अब उसमें आप सीड को ब्रॉडकास्ट करोगे। तो एक तो है ब्रॉडकास्ट कर दिया, दूसरा होता है डिबलिंग, इसमें आप उसमें एक फिक्स स्पेसिंग पे ब्लॉक करते हो, होल करते हो, और बाद उसमें एक एक करके या दो दो करके सीड डाल देते हो, और इसके बाद उसे कंप्लीट सॉइल से कवर कर देते हो। ऐसा इसलिए, देखो ब्रॉडकास्टिंग के साथ इशू है, उसमें क्या होता है कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट वो बहुत आसान होता है, सीधे जस्ट फेंक देने होते हैं सीड, बट नेगेटिव है कि सीड की स्पेसिंग कम नहीं हो पाती है कंट्रोल। जबकि डिबलिंग के साथ ये होता है कि इसमें स्पेसिंग फिक्स होता है, और हर पॉइंट पे आप एक या दो सीड जो भी है जर्मिनेशन परसेंट उसके अकॉर्डिंग डाल रहे हो, तो इससे आपका एक तो सीड का वेस्टेज नहीं होता है, दूसरा सीड की स्पेसिंग फिक्स होती है, तीसरा है ड्रिलिंग। ओके, एक मुद्दा है टाइम ऑफ सोविंग, आप सीड को कब सो करते हो। तो इसके जो बेसिस है बेसिकली वो है कि आपकी सीड को जब ट्रांसप्लांटिंग एज है उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ट्रांसप्लांटिंग पहले तो हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट हम कब करेंगे, तो वो है जैसे ही मानसून आ जाता है उसी टाइम पे हम यूजुअली ट्रांसप्लांट करते हैं।
तो अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसे लगभग 3 या 4 मंथ लगते हैं ट्रांसप्लांटिंग तक पहुंचने में, तो हम उसे जनरली जनवरी या फरवरी में स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो एज तक पहुंचते पहुंचते वो एक हाइट कवर कर ले जिससे हम उसे ग्राउंड में लगा सकें। तो यहाँ पर केवल पर्पज़ वही है कि हम कब लगाते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीक है या खैर है, इसको अप्रैल और जून की समथिंग लगा देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो इनिशियल फेज है उसमें ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कैजुराइना वगैरह के लिए, यूकेलिप्टस के लिए हमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो जनवरी मार्च की जो ब्लॉक है उसी में करना पड़ता है, जिससे इन्हें पहुँचते पहुँचते लगभग 4-5 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है नर्सरी में। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर जो फैक्टर हैं उन्हें भी देख सकते हो, आपके वाटर सीड अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर क्या है, वेदर कंडीशन है और उसकी ग्रोथ रेट वगैरह है। जब आपने इसे कर लिया तो आपको थोड़ा एक अदर इशू आ जाते हैं, जैसे कि आपने बेड तो प्रिपेयर कर लिया बट उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट कैसे है? जैसे एक है रोडेंट्स, इसमें है स्क्वायरल, सबसे ज़्यादा बड़ा इशू आता है स्क्वायरल का। ये क्या है, सीड आपके उखाड़ उखाड़ के खा के चली जाती है, तो आपका पहले से ही तो जर्मिनेशन आपका 70% या 60% है, उसमें आधे सीड अगर इसने गायब कर दिया तो नर्सरी तो फेलियर होना ही होना है। तो वहाँ पर आप उसके जो स्क्वायरल के लिए रिमूव करने के लिए आप अदर एनिमल को मैनेज करोगे, या उसमें सीड की जो ड्रेसिंग करते हैं, रिपेलेंट लगाते हैं, उसे यूज़ करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ सीड पैलेटिंग या सीड रिपेलेंट मैं आपको पहले सीड ट्रीटमेंट में बता चुका हूँ कि सीड के ऊपर एक केमिकल और फंजीसाइड की एक आउटर कवर बना दी जाती है, वो है सीड पैलेटिंग या वहाँ उसी में पैलेटिंग में केमिकल जो लगाते हैं जो रिपेल करते हैं एनिमल्स को, वो हो गया रिपेलेंट। ठीक है, वो पैलेटिंग या सीड ड्रेसिंग एक ही सेंस होता है। इसके बाद सॉइल को भी स्टरलाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ फंजीसाइड एंटी फंगल्स केमिकल से, क्योंकि फंजाई वगैरह की और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि नर्सरी में क्या होता है कि मॉइस्चर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है नर्सरी बेड में, तो फंजाई के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है कि आपने एक तो FIM जैसी चीज़ें दे दी, केमिकल फर्टिलाइजर सब कुछ मिल रहा है और मॉइस्चर दर मिल रही है, तो फंजाई को ग्रोथ के लिए चाहिए क्या, जो फेवरेबल है वो सब कुछ है, तो फंजाई फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे नर्सरी डिजीज़ में भी इसे देख लेंगे, यहाँ डंपिंग ऑफ की इशू रहता है, सबसे ज़्यादा डंपिंग ऑफ नर्सरी में होता है। ओके, तो और दूसरा है फ्रॉस्ट वगैरह का इशू है, तो उसके लिए बचाने के लिए हम इसके नर्सरी के ऊपर एक सेडिंग कर देते हैं जिससे रेडिएशन वाला इशू थोड़ा सॉल्व हो। ओके, ये पार्ट अपना कंटेंट हो चुका है नर्सरी बेड तक। अब देखते हैं नर्सरी ये जो स्टॉक प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, इसे देखते हैं। मींस वो स्टॉक जिसको हम नर्सरी से निकाल करके अब डायरेक्ट फार्म में लेके जाएंगे प्लांटेशन करने, जो हमारा साइट था उस पर। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक सीड और दूसरा होता है कटिंग वगैरह, जैसे पॉपुलर और सेलेक्स का ले लिया। दूसरा ये तो रहा अपने पास मटेरियल, ये वाले दूसरा पार्ट है नीचे पॉली बैग और सीड बैग, ये वो पार्ट है जिसमें हम उस मटेरियल को सोविंग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा इजी समझ लेते हैं कि पहले तो हमने सीडलिंग लिया, उसको सीड बैग पर ग्रो किया, इसके बाद फिर स्पेसिंग के लिए हम उसे पॉली बैग में लेके गए, और फिर पॉली बैग को हम डायरेक्ट सीड सोविंग के लिए लेके जाएंगे। या फिर आपने यहाँ पर जो सीड सोविंग को जो सीड बैग में ट्रांसप्लांट किया, मीन्स वहाँ पर सोविंग की थी, वहाँ से ही आप उसे डायरेक्ट अपरूट करके सीधे फार्म में लेके चले गए। मींस या तो सीड बैड में सोविंग किया और वहाँ से प्लांट को अपरूट करके फार्म में चले गए, फर्स्ट सीड को सीड बैड में ग्रो किया, वहाँ से उसे ट्रांसप्लांट किया पॉली बैग में और पॉली बैग ले करके फार्म में गए। सेकंड, जब सीड के साथ दो कंडीशन है तो वही सेम होंगी कटिंग के साथ, कटिंग को भी या तो हम सीड के साथ सीड बैड में सोविंग करेंगे, इसके बाद उसे पॉली बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे और फिर लेके जाएंगे, या फिर सीड बैड के बाद हम उसे पॉली बैग में ट्रांसप्लांट कर, या फिर यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मुद्दा आता है स्टंप प्रिपरेशन का है, तो पहले ये देखो स्टंप होता क्या है। ये एक छोटा सा मींस आपका प्लांट का होता है एक रूट पार्ट और दूसरा होता है शूट पार्ट। तो जनरली रूट शूट का वो जोन, जैसे जिसमें 1 से 2-3 सेंटीमीटर का हम ऊपर का स्टेम वाला पार्ट लेते हैं और 20 से 22 सेंटीमीटर का लेते हैं रूट वाला जोन, इन दोनों को हम कट करके एक डंडे जैसा पार्ट बना लेते हैं,
इसे बोलते हैं स्टंप, ठीक है, एक क्रिकेट के स्टंप टाइप के ही है। इसमें सबसे जो फेमस है स्टंप वो है टीक और सिसु में। इसका कॉलर डायमीटर है, मींस जो इसका रूट और शूट का जॉइंट पार्ट है, कॉलर डायमीटर रखा जाता है जनरली 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टंप का इसमें इसके साथ बेनिफिट ये होता है स्टंप के साथ कि इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत आसान जाती है। नर्सरी के लिए हमें एक मैनेज करना पड़ता है ट्रक वगैरह जिससे, क्योंकि वो उसकी जो लीव्स है ब्रांचेज है उनके डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि स्टंप में कुछ नहीं है, गन्ने की तरह जो गट्ठा होता है उस टाइप का हम बांध करके डाल देते हैं और वो इजीली हैंडल हो जाता है वहाँ तक पहुँचने में। अब देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में आपको बता चुका था कि यहाँ पर जैसे नर्सरी बेड है इससे इसे मूव किया है या तो पॉलीबैग में या दूसरे बैग में, तो आपका हो गया ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। करते क्यों है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पहले जो सीडलिंग बेड होता है उसमें स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अनस्कैटर्ड हो गए ना। अब हमें सपोज नर्सरी जो है जैसे 2 साल तक अगर नर्सरी में रखना है किसी की सीडलिंग को, तो उसे आपको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे उसका और इफेक्टिवली ग्रोथ हो पाए, तो आप जनरली उसे पॉलीबैग या दूसरे नर्सरी बेड पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे पहला उसे स्पेसिंग मिलेगी तो उसकी रूट और शूट की ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी, मीन्स स्पेस मैनिपुलेट कर लोगे, और उसे नया एनवायरनमेंट मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा बेटर होगी पहले के कंपेयर में। अब यहाँ पर आता है अपना कंटेनर का इशू। जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो बार बार टर्म आ रहा है पॉलीबैग, तो नर्सरी में बहुत सारे टाइप के कंटेनर यूज करते हैं। अब कंटेनर यूज़ करने के एडवांटेज भी हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। पहला तो एडवांटेज ये है कि नर्सरी बेड से जब आप फील्ड तक लेके जाओगे प्लांट तो कैसे लेके आ जाओगे, अगर आपके पास पहले से कोई कंटेनर है तो उसकी रूट डिस्टर्ब होने के चांसेस नहीं है। या फिर जैसे आपने सीड को अगर डायरेक्ट पॉलीबैग में ग्रो किया है तो एक बार वहाँ उसकी रूट जो नेचुरल है वो उसी में डेवलप हो गई, उसी में डेवलप हुई तो उन्हें कभी डैमेज नहीं होने वाली जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करोगे, तो इस टाइप से उसकी सर्वाइबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा लेबर कॉस्ट वगैरह है वो उखाड़ने वाला वो झंझट कम हो जाता है। अब यहाँ पर इशू ये है कि ट्रांसप्लांट जो अपने कंटेनर है उनके टाइप्स क्या है, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज आपको यहाँ जनरली हो गए हैं, डिसएडवांटेज इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर टाइप देख लेते हैं। तो पहला होता है ब्रिक्स कंटेनर। जैसे अपना ब्रिक्स होता है, ईंट होता है, उसी टाइप का है। जनरली इसका बैकग्राउंड जो बेस पार्ट है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, 15x15 सेंटीमीटर, और जो सर अपर पार्ट है वो है 10x10 सेंटीमीटर। इसके अपर साइड में एक होल किया जाता है और प्लांट को उसी में प्लांटेड कर दिया जाता है। ये पूरी पूरी ब्रिक हम जनरली क्ले वगैरह जो सैंडी लॉन सॉइल ले लिया, FIM वगैरह और जो मिनरल्स हैं फंजीसाइड वगैरह हैं वो सबको इसमें मिला करके ये ब्रिक बनाई जाती है। मींस इसके साथ उसमें न्यूट्रिएंट भी है, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी, केमिकल भी है, और उसी में ग्रो किया तो रूट डैमेज का भी चांस नहीं है। तो इसे हम यूज कहाँ करते हैं, जो एरिड सॉइल या सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर पहला इशू क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। तो अगर हम वहाँ ब्रिक प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट को जो इनिशियल फेज की जो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी फेस करनी होती है वो उससे बच जाता है, मींस उसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है दोना प्लांटेशन। इसमें लीफ वगैरह का जो एक दोना टाइप का बनाते हैं और उसी में हम ग्रो कर लेते हैं, ओल्ड मेथड है लेकिन अभी जनरली यूज नहीं किया जाता है। थर्ड है बम्बू की बास्केट है, ये अपने यहाँ तो नहीं होता लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बम्बू इजली अवेलेबल है और बास्केट प्रोडक्शन भी करना उन्हें आसान होता है। तो बम्बू के जो ट्विक्स हैं उन्हें जनरली राउंड में बना करके एक बकेट टाइप का बना लेते हैं। चौथा है ट्यूब, ये भी जैसे बम्बू की ट्यूब होती है उसी टाइप का बना लेते हैं। पॉली बैग यहाँ पर इमेज में रहे, और सबसे फेमस जो आज के टाइम आ रही है वो है रूट ट्रेनर, ये वाले। इसके साथ ये होता है कि इनके जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पर वर्टिकली उसमें अंदर से लाइंस होती हैं। अब रूट ट्रेनर क्यों यूज़ करते हैं, इन्हें रूट ट्रेनर क्यों बोलते हैं, उसके पीछे होता है कि ये जो भी अपने ऊपर पड़े हैं इनके साथ एक इशू है, वो है रूट की कॉइलिंग। तो वही है जो इसके डिसएडवांटेज हैं
ये कंटेनर्स के, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है रूट कॉयलिंग। होता क्या है कि एक प्लांट है उसकी रूट ग्रो की, तो सबसे पहला इशू है उसके टैप रूट का। कोई भी प्लांट विंड फार्म तभी बन पाएगा जब उसकी टैप रूट स्ट्रांग हो। टैप रूट स्ट्रांग तब होगी जब टैप रूट सीधी नीचे की तरफ ग्रो करे। लेकिन पॉलीबैग में क्या कि जैसे ही वो थोड़ा ग्रो करता है वो उसकी रूट है वो नीचे वाली सरफेस से ब्लॉक हो जाती है। इसका रिजल्ट होता है कि वो साइड में ग्रो कर जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है और ऊपर की साइड आकर के ऊपर से फिर वापस निकलने लगती है। मीन्स जब उसकी टैप रूट सही से नहीं बनेगी तो प्लांट अगर आप लगा भी दोगे तो अंदर डीप तक नहीं जा पाएगा। इसका रिजल्ट होगा कि प्लांट एक 10-15 साल का जब ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स फार्म जब आप फील्ड में लगा दिया और वो 10-15 साल की एज का हो गया, जैसे ही उसका जो क्राउन है वो उसका लोड बढ़ा, अगर थोड़ी भी तेज स्ट्रांग विंड मिली उसे तो उखड़ जाता क्योंकि उसे टैप रूट नहीं मिल पाया, सीधा टैप रूट नहीं बन पाई थी उसकी। तो यहाँ पर इशू वही है कि रूट कॉइल्ड हो जाती है। तो कॉइलिंग ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉरूगेटेड रूट ट्रेनर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही रूट ग्रोथ करती है वो सीधी नीचे को जाती है, उसमें अंदर से जो वर्टिकल स्लाइड्स हैं वो रूट को मूव नहीं करने देती, यानी कि अपवर्ड ग्रोथ नहीं करने देती, तो रूट सीधी की सीधी नीचे ही जाएगी। इसके साथ इसमें नीचे की साइड में होता है हॉल्स, तो जैसे ही रूट नीचे गई वो हॉल से जैसे ही बाहर निकली एयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो वहाँ पर बर्न हो जाती है एयर के कॉन्टैक्ट में आने से, या उसे नेचुरल प्रूनिंग मान लो एयर टाइप से। उसका रिजल्ट होता है कि वो उससे ज़्यादा टैप रूट डेवलप नहीं हो पाती है, तो टैप रूट की ग्रोथ रुक जाती है और सेकेंडरी और टर्सरी जो ग्रोथ रूट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जब आप इस प्लांट को नेचुरल फील्ड में लगा के आओगे तो जैसी वो एयर अब्सेंस होगी टैप रूट डेवलप करना फिर से स्टार्ट कर देगी और रिजल्टेंट प्लांट के पास उसका खुद का टैप रूट होगा, तो स्ट्रॉन्ग विंड में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा बाद के फेज में। इसमें इसके जो रीज़न है रूट कॉइलिंग के वो है डिले इन ट्रांसप्लांटिंग, क्योंकि उसको एक लिमिट में ही आपको ट्रांसप्लांट कर देना होता है जब तक उसकी रूट ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर हमने 1-2 मंथ लेट कर दिया तब तक तो वो ओवर हो जाता है। यहाँ पर है रूट प्रूनिंग का मुद्दा है, तो उसमें यही बोला है जैसे हमारा कॉरूगेट तो रूट प्रूनिंग का पर्पज़ वही है कि जो रूट कॉइलिंग हो रही है उसे रोकने के लिए। तो इसमें हम जनरली अगर कॉरूगेटेड रूट ट्रेनर यूज कर रहे हैं तो उसमें तो हम इशू कोई होता ही नहीं है, बट अगर पॉलीबैग ही अभी भी यूज कर रहा है तो पॉलीबैग के नीचे होल कर देते हैं जिससे इसका रूट आ जाए और पॉलीबैग को कुछ टाइम बाद उठा करके उसके नीचे की टैप रूट को कट कर देते हैं, वो हो गया आपकी रूट प्रूनिंग। ओके, अब आपने रूट प्रूनिंग कर ली, आपने प्लांटिंग मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, अब आप उसे डायरेक्ट फार्म में ट्रांसप्लांट करने वाले हो। लेकिन ट्रांसप्लांट करने से पहले आप उसकी ग्रेडिंग कर लेते हो जिससे आप ये सीओटी कर सकें कि कौन सा मटेरियल बेटर है जिससे आपकी फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएँ। तो जो नर्सरी आपकी या जो ट्रांसप्लांटिंग मटेरियल आपकी थोड़ा लो ग्रेड का है, मीन्स जिसके रूट के साथ इशू रह गया, किसी की लिप्स के साथ इशू है, कोई इन्फेक्टेड है, इस टाइप के कंटेंट को आप निकाल दें जिससे सही मटेरियल आपके पास बचे, इससे सक्सेस के चांस बढ़ेंगे। तो वो रहा ग्रेडिंग ऑफ प्लांटिंग मटेरियल। ओके, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपना पार्ट है नर्सरी डिजीज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला रिमेनिंग पार्ट बचा है। अब यहाँ है नर्सरी रिलेटेड डिजीज। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है डंपिंग ऑफ, सबसे कॉमन इशू है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद रखना है हमें राइजोक्टोनिया और फ्यूजेरियम, ये दोनों फंजाई हैं और उसके रूट जो कॉलर वाला जो है रूट सूट कॉलर का रीजन, वहाँ पर स्टेम को ख़त्म कर मींस स्टेम को डैमेज कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जनरली वहीं से ड्राई हो जाता है प्लांट। रीजन क्या है, वही कि फंजाई है। फंजाई के लिए ग्रो के लिए क्या चाहिए, FYM जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट आपने पहले ही मिला दिया है नर्सरी में, मॉइस्चर आपने बहुत दर दे रखी है, एयरेशन होगा तो एक इशू है, मींस एयरेशन होगा तो ये चीज़ें नहीं डेवलप हो पाएंगी। लेकिन एक तो आपने वहाँ पर ड्रेनेज बहुत मींस इरिगेशन बहुत अच्छा कर रखा है और ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, तो वो पानी वहीं पर भरा रहेगा जो इसे और फेवरेबल कर देगा ग्रोथ के लिए। अदर रिलेटेड इशू है जैसे टर्माइट का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तीसरा है विल्टिंग के इशू है, अगर आप उसे रेगुलरली इरिगेशन नहीं दे रहे हैं तो वो नर्सरी आपकी सूखनी है।
अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन को लास्ट में पढ़ते हैं। पहले दो और इशू है, नर्सरी कैलेंडर और नर्सरी रजिस्टर। अब नर्सरी कैलेंडर समझते हैं। होता क्या है कि राजकाजी काम होता है, यहाँ पर कौन सा वर्क कब करना है किसी को समझ में नहीं आता, तो एक पूरा पूरा कैलेंडर बना लेते हैं कि नर्सरी में वीडिंग कब करनी है, क्लीनिंग कब करनी है, इस मंथ में कब कितनी वीडिंग करनी है, कितनी क्लीनिंग करनी है, जिससे जो लेबर है उसी पूरा पूरा शेड्यूल पकड़ा देते हैं और वो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो ये जो पूरा एनुअल शेड्यूल रहता है ये कहाँ पर होगा, जनरली जो अपनी परमानेंट नर्सरी है। तो ये जो एनुअल शेड्यूल होता है ये हो गया नर्सरी कैलेंडर। इसको जस्ट एक बार देख लें, जो इनके मंथ वाइज जो इसने वर्क दे रखा होगा, याद किसी को नहीं रखना है इसमें, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में अगर ये इस टाइप का आ गया तो आप उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दोगे नर्सरी कैलेंडर का और इस टाइप का कुछ भी एक दिमाग में बना करके छाप देने का, क्योंकि कोई इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि टाटा कंपनी ने बनाया है। दूसरा है नर्सरी रजिस्टर। अब नर्सरी में कितनी सीडलिंग कहाँ पर है, किस टाइप के बेड हैं, बेडों के साथ क्या इशू चल रहा है, जब परमानेंट नर्सरी है तो फिर उसके साथ आपके बहुत सारे इशू और जुड़ जाते हैं। आपने कितनी सीडलिंग बेच दी है या कितनी बाहर जा चुकी है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, आपके पास सीडलिंग का स्टॉक कितना है, कौन सी सीडलिंग कहाँ पर ग्रो की रखी है, तो इसका पूरा पूरा एक रिकॉर्ड एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। ये हो गया आपका नर्सरी रजिस्टर। यहाँ पर नर्सरी रजिस्टर का पूरा पूरा डिटेल है, बस उसे भी एक बार रिव्यू कर लेना है, जिससे अगर किस्मत फूटी रही तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसे कर लें। जो यहाँ पर अपनी लास्ट थी एक्सरसाइज, इसके लगभग सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं अपने। इसके बाद लास्ट पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, असेक्चुअल प्रोपोगेशन इसी को बोलते हैं। ओके, मीन्स यूज क्या करेंगे हम, वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो उसके दो पार्ट हैं, एक तो नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है वो हम नेचुरल रीजनरेशन में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल को हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पज़ का नहीं है। प्रैक्टिकल वो है जिसे हम नर्सरी में यूज कर रहे हैं। तो नर्सरी में जो यूज करते हैं वो हमारे बेसिकली चार करते हैं, हम कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग। ये तो रहा है मैक्रो लेवल पर। माइक्रो प्रोपोगेशन जो टिश्यू कल्चर यूज करते हैं वो अलग हो गया। तो यहाँ दो पार्ट्स हैं, एक इसके रहा एडवांटेज, दूसरे इसके कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिसएडवांटेज होंगे, और दूसरा थर्ड पार्ट रहेगा अपना मेथड, वो मैक्रो और माइक्रो। तो प्रोपोगेशन में देख लेते हैं, पहला है मैक्रो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें एक रहा कटिंग। कटिंग बहुत सिंपल सा होता है कि आप किसी भी प्लांट की जो एक ट्विग्स है, ब्रांच है, उसे कट करते हो और उसे लेकर के फार्म में लगा दिया। अब प्लांट की जो ब्रांच है उसे कट किया और डायरेक्ट सॉइल में लगा दिया, वो हो गई अपनी कटिंग। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है हार्डवुड कटिंग और दूसरी होती है सॉफ्टवुड कटिंग। अब यहाँ पर जो कटिंग वाला है वो क्या है, ग्रीन पार्ट था, ग्रीन पार्ट को आपने यहाँ पर लगा दिया। जनरली लीफ वगैरह पार्ट हटा देते हैं, क्योंकि जो आपने ब्रांच लगाई है अगर लीफ होंगे तो ये ट्रांसपिरेशन करेंगे, उसके लिए ना मॉइस्चर चाहिए और मॉइस्चर यहाँ इसके पास रूट है नहीं, तो वाटर एब्जॉर्ब होगा नहीं, उसका रिजल्ट होगा जो इसके पास मॉइस्चर है वो भी लॉस हो जाएगा और कटिंग का फेल्योर होना 100% कन्फर्म है। तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेज हैं, जो लीव्स हैं, ये पूरी की पूरी निकाल देते हैं, जिससे इसमें नया स्प्राउट निकलता है तो वो बहुत छोटा होता है, तो स्प्राउट की रिक्वायरमेंट भी वाटर की कम होती है, तब तक हम इरीगेशन काफ़ी अच्छा देते हैं, तो ये धीरे धीरे रूट भी तब तक डेवलप कर लेता है। कटिंग में एक तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई सॉफ्टवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग जो अपनी ओल्ड ब्रांचेज हैं, जो जैसे आप जनरली रफली देखते हैं तो ड्राई टाइप की ऊपर से होती है, लेकिन वो एक्चुअली लिविंग पार्ट भी होता है उनका, तो वो हो गई आपकी हार्डवुड कटिंग और ये है सॉफ्टवुड। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। इसमें एक प्लांट होता है जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, इसे क्या बोलेंगे, स्टॉक। दूसरा प्लांट है जिसका अपर पार्ट अच्छा है, इसे बोले सियोन। इन दोनों को हम ग्राफ्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो हो गई अपनी ग्राफ्टिंग। थर्ड लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं कि इसका जो, जैसे यहाँ पर एक है सिंपल लेयरिंग, इसमें एक स्टेम था, इसकी एक ब्रांच थी, हम लोग क्या करेंगे इसकी जो ब्रांच है उसे सॉइल से निकाल दिया और यहाँ पर जो इसकी बार्क है उसे हल्का रिमूव कर देते हैं, जिससे जो फूड यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा था
वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाए, वो प्लांट की साइड ना जा पाए, क्योंकि हमने उसकी बार्क निकाल दी तो जो फ्लोएम है वो हमने ब्लॉक कर दिया वहाँ से। तो फूड जब यहाँ पर स्टोर होने लगेगा तो वहाँ पर एक्चुअली एक तो ये फूड लोकेट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर फूड के साथ साथ इसके हार्मोन भी इकट्ठे होंगे, इसका रिजल्ट होगा यहाँ पर रूट डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे एक बार रूट डेवलप हो गए, हम यहाँ से जो मेन ब्रांच है इसे यहाँ से कट कर देंगे, इसका रिजल्ट होगा ये पूरा पूरा एक नया प्लांट बन गया। दूसरा जो है माउंड लेयरिंग, वो इस केस में किया जाता है कि जो प्लांट है वो ब्रांच ही है ज़मीन के पास ही, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक माउंड बना देंगे और यहाँ सभी के नीचे एयर लेयर वो डीबार्किंग करेंगे सभी की, तो सभी से यहाँ पर एयर जो रूट्स है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। बाद में हम इसे 3-4 पार्ट में प्लांट को बांट लेंगे। चौथा होता है अपना बडिंग। अब इसे ऐसे ले लो कि एक प्लांट है जो जिसका फ्रूट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उस पहले वाले प्लांट है जिसका फ्रूट तो बहुत अच्छा है बट उसके पास रूट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो बेटर ग्रो कर सके, जो इस टाइप की आपकी सॉइल है उसमें, मीन्स आपकी सॉइल बहुत घटिया है, सैंडी टाइप की सॉइल है, तो उसमें वो बेटर रूट सिस्टम डेवलप नहीं कर पाता, लेकिन वो उसका फ्रूट बहुत अच्छा है। सेकंड आपके पास प्लांट ऐसा है जिसका वहाँ पर रूट सिस्टम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका फ्रूट जो है वो आपके लिए कॉमर्शियल नहीं है, तो आप इसमें पहले प्लांट की बड़ लोगे और जो दूसरा प्लांट था आपका बी उसकी बार्क को वहाँ पर थोड़ा छीलोगे और इसकी पहले की बड़ को वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दोगे। रिजल्ट क्या होगा कि कुछ हार्मोन भी एक्चुअली ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो कुछ दिनों बाद ये उससे कनेक्ट हो जाएगी, उसका जो टिश्यू है उससे कनेक्ट हो जाएगी और इसका रिजल्ट होगा कि यहाँ पर पहले वाले मींस बी नंबर के प्लांट पे ये ए प्लांट वाली बड ग्रो कर जाएगी। बड ग्रो कर गई तो यहाँ पर पूरी पूरी ब्रांच बनेगी और फिर यहाँ से जो फ्रूट या जो भी फ्यूचर जनरेशन होगी वो पूरी पूरी प्लांट एक ही होगी। आफ्टर दैट जब सक्सेस हो जाता है तो हम जनरली जो प्लांट बी का है तो ये उसके जो ऊपर का पार्ट है, बड के ऊपर का पार्ट है उसके स्टेम का, उसे हम कट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि प्लांट नीचे से तो रूट सिस्टम से पूरा पूरा बी का है और ऊपर जो स्टेम वाला पार्ट है वो पूरा पूरा ए का हो जाता है। ओके, लास्ट अपना था, ये तो चार थे माइक्रो प्रोपोगेशन के और दूसरा पार्ट था माइक्रो प्रोपोगेशन वो टिश्यू कल्चर का है। टिश्यू कल्चर में उसका जनरली जो अपेक्स वाला पार्ट है उसे हम टिश्यू मीडियम जो कल्चर मीडियम है उसमें ग्रो कर देते हैं और वहाँ पर नई जनरेशन प्रोपोगेट कर लेते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेज आपको समझ में आ गए कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नई सीडलिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं, पहला। दूसरा, इसमें जनरली जब हम किया जाता है तो वायरस का प्रॉब्लम आता है, मींस जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के साथ जो करते हैं कि एक में अगर कोई डिजीज थी तो वो नई जनरेशन में भी चली जाती है, ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज था। तो जो माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें हम इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बकाया का रिमेनिंग आपने इन्हें नोट्स में पढ़ लिया। ओके, यहाँ ख़त्म हो गया, थैंक यू।